Assalamualaikum. Actually, today we are here and we are going to talk about shirt and hair better. We have to know that what's the difference between shirt and hair better. अब आज हमारा टॉपिक स्पेशल ये है कि हमें पता होगा what is the difference, कि हमें फर्क क्या होगा कि हेयर बेटर और शर्ट का इस्तेमाल करने में. Fine. Let's see. First we will talk about shirt. फिर हम किसके यूज करते हैं. I have told you earlier in my previous videos as well. You can see over there what is the use and structure of our. You can click the I button and you can see there. Fine. Okay. Now here is should. Should talks about advice. And now I have actually here the hair, but it also talks about advice. But the what's the difference between them? The difference lies that जब हम should की बात करेंगे ना वहाँ पे हमारा होगा difference. किस तरह का नसीहत भी होगी लेकिन किस तरह की जो मैंने लिखा advice. Advice means के मशवरा शुड हम यूज करते हैं जब किसी को मशवरा दे लेकिन पूरी जिंदगी के लिए लाइफ टर्म के लिए यूज हो. जैसे कि हमारे पास है यू शुड ऑफ द पीरियड और बीइंग अ मुस्लिम हमें क्या करना है कि नमाज पढ़नी चाहिए. हमें नसीहत कर रहे हैं यू शुड ऑफ द नमाज आपका नमाज पढ़नी चाहिए. दे शुड वर्क हार्ड उनको मेहनत करनी चाहिए. लाइक वी हैव गॉट वन शुड वेस्ट वन्स प्रीशियस टाइम. अब यहां में हमारे पास क्या आ रहा है कि वन शुड इसकी जगह वन की जगह बेहतर है कि हम यू लिखें दैट नो वन क्या किसी को भी अपना प्रीशियस कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहिए. फाइन. हियर इज ही शुड नॉट कॉल दी नेम्स टू एनीवन क्या उससे किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए. ये जो मैंने लिखा है स्पेशली कॉल द नेम्स टॉक्स अबाउट That's बुरा भला कहना गालियां देना मिसबिहेव करना इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं. फाइन. आफ्टर दिस आई हैव रिटन हेयर बेटर. एक्चुअली व्हाट द हेयर बेटर टॉक्स अबाउट इट टॉक्स अबाउट जस्ट टू थिंग्स. नंबर वन एडवाइस दिस इज का मशवरा एंड थ्रेटन और थ्रेटन. थ्रेटन मीन्स धमकी जिसे हम कहते हैं सिंधी में ऐसा धमकी जो होता है उर्दू से धमकी. फाइन. जब हम किसी को मशवरा देते हैं लेकिन यहां पर भी मशवरा शुड में और हेड बेटर के अंदर भी मशवरा होगा लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस. डिफरेंस इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट शुड इट मींस दैट वो जो मशवरा दो लाइफ टर्म के लिए होगा लेकिन हेड बेटर भी जहां तक बात है वो लाइफ टर्म के लिए नहीं होता. वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि थोड़ी देर के लिए लास्ट टाइम. फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर पर हैं अगर सर्दी का मौसम है अगर आप वहां घर से बाहर जा रहे हो घर वालों ने कुछ कहा कि बेटा आप लेकर आ जाए नहीं लेकर आ जाए. अगर वहां से आप घर से बाहर जाएंगे कुछ पहनावा नहीं होगा तो घर वाले कहेंगे ना आपके लिए बेहतर है कि आप कोट पहनकर जाओ. आपके लिए बेहतर आप जैकेट पहनकर जाओ फॉर द टाइम बीइंग. अगर किसी क्लास में है आप टीचर आपकी क्लास ले रहा है वहां पर एक उर्दू बोलना मना है. अब वहां पर अगर आप उर्दू बोलोगे तो आप पर फाइन लगेगा इसीलिए आपके दोस्त आपको क्या कहेंगे कि यू हैड बेटर स्पीक इंग्लिश. सो देयरफॉर दिस इज द डिफरेंस स्पेशली फॉर दिस. And there is threaten means धमकी देना. जब हम इसको धमकी की बात आती है और this is जैसे कि है हम यूं कहते हैं धमकी के लिहाज से कि आपके लिए बेहतर है कि मेरे सेलफोन को हाथ ही लगाना. स्पेशली दो बहनें होती है ना वापस में धमकी नहीं होंगी फिर वो क्या करती है आज के बाद अगर तुमने मेरा सूट पहना ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा. हमारी बहनें इस तरह से करती है और स्पेशली ये जर्सी होती है. फाइन. This is also called own and love for each other. इसको own and love किया जाता है, कहा जाता है. Okay यार, you had better wear your coat. आपके लिए बेहतर है अपना कोट पहनो. Fine. मतलब कि थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गए, ठंड थी, पहन के घर पर वापसी आ गए, फिर बोला बताओ दे, no major. He had better speak English. उसके लिए बेहतर वो इंग्लिश बोले. मतलब इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश ही बोले बेहतर है. What? Third channel is You had better not touch my cell phone. आपके लिए बेहतर है मेरे सेल फोन को मेरी जगह पर ना हाथ ही लगाना ऐसे कहते हैं ना लाइन से. फाइन. अच्छा जी उसके बाद here we have got a fourth sentence. They had better not cross in front of my house. क्या मेरे घर के सामने से नहीं गुजरना. जैसे आपको पता है दो जनों की अगर आपस में दोस्त की लड़ाई हो जाए मजबूरन फॉर एग्जाम्पल नाम ले लें कि नवीद वर्सेस फराज. अब फराज का घर और नवीद का घर एक ही गली में है लेकिन जिस गली में से पहले घर फराज का होता है नवीद को फराज का घर क्रॉस करके अपने घर जाना होता है तो अब झगड़ा होने के बाद फराज कहता है कि भाई तुम्हारे लिए बेहतर मेरे घर के सामने से नहीं गुजरना.
ये क्या होगी, ये धमकी होगी, नॉलेज. सो दिस इज स्पेशली डिफरेंस बिटवीन हैव बेटर एंड शुड. के हैव बेटर के लिए हम नसीहत तो करेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हमारे पास लाइफ टाइम की नसीहत होगी और यहाँ पर धमकी होगी. एंड दिस इज एंडिंग फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड शेयर आवर चैनल और वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.